हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पे आज फिर से हम देखने वाले हैं इंग्लिश का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट जो कि सिर्फ 10 क्वेश्चंस का है। और ये 10 क्वेश्चंस आपके ग्रामर से हैं क्योंकि सुपर टेट में ग्रामर ही आती है बेसिकली। हाँ, आपको थोड़ा फोनिम्स वगैरह भी पढ़ के जाना है क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन उससे भी आ गया था जो ऑलमोस्ट सबका गलत हुआ था, बहुत कम ही लोगों का सही लगा था वो। एनीवेज, तो इस बार वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश ग्रामर आपके सिलेबस में है उसके लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न पर ही बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, प्रपोजिशन, इसका अर्थ यानी कि बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग मतलब सिनोनिम पूछा है, आपको समानार्थी शब्द बताना है। फटाफट से देख लीजिए इनमें से क्या हो सकता है। तो पहले तो इसका अर्थ पता होना चाहिए। चलिए मैं हिंट कर देती हूँ, इसका अर्थ होता है सुझाव, लेकिन एग्जाम में कोई हिंट करेगा नहीं, इसलिए आप अपने वो कैप पोर्शन धीरे धीरे धीरे, एक दिन में स्ट्रांग नहीं होगा, डेली दो चार नए शब्द डेली ऐसे करते चलेंगे तो एग्जाम तक काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। सो यहाँ पे इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा प्रपोजल, यानी ये प्रस्ताव, ठीक है, और इसका अर्थ भी होता है सुझाव, दोनों पर्यायवाची में आते हैं। इसके अलावा इनके और भी पर्यायवाची है जैसे सजेशन हो गया, ठीक है, मोशन हो गया और रिकमेंडेशन हो गया, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची में आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, क्या होगा? बहुत ही आसान सा ही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इस क्वेश्चन में वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ही एडवाइज्ड द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। यानी कि देखिए पहला ये क्या हो रहा है कि उसने कहा क्या, बेबीज यानी बच्चों दूध पियो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बच्चे को दूध दूध पीना के लिए कह रहा है। लेकिन यहाँ पे दूध पीने के लिए कहना कोई ऑर्डर नहीं होता बल्कि एक एडवाइस की होती है कि बेबीज़ जो है वो दूध उनको पीना चाहिए, दूध पीते हैं, वॉट एवर इस टाइप का। तो कहीं ना कहीं इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट का भाव जो उनका भाव है वो एक एडवाइस वाला भाव है, इसलिए उसने उसको सेट की जगह एडवाइस्ड कर दिया। ये पूरी तरह अपनी कॉमन सेंस पे होता है, अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो आपको सेट की जगह ऑर्डर्ड कह देना है, ठीक है, रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड कर देना है, ये पूरी तरह से आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। इसके बाद फिर आता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के पहले टू जोड़ के इनफाइनाइट टू प्लस वर्ब बनता है, तो हमेशा ये देखिए वर्ब है इसके पहले टू लगा दिया, बाकी सब द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क, यहाँ टू आ गया, इस तरह से करके लगा दिया। और इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है कि जिसमें ऑर्डर्ड हो जाता है, रिक्वेस्टेड हो जाता है, एडवाइज्ड हो जाता है ना, ये रूल कैसे चलता है, ये इसके लिए अलग अलग से वीडियो बनाई हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, रिहर्सल। ओके, सभी रिहर्सल एक ही चीज़ लिखी है लेकिन स्पेलिंग सबकी अलग है, सही बताना है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। रिहर्सल मतलब होता है पूर्व अभ्यास, है ना, जो कोई भी चीज़ परफॉर्म करने से पहले, कोई भी चीज़ करने के पहले हम जो उसका उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी सही स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, आर ई एच ई ए आर एस ए एल, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस। राकेश गेव मी ब्लैंक 100 रुपी नोट, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ाया है, रुपी नोट करके जब कुछ भी आता है तो क्या लगना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल रुपी नोट अलग चीज़ हो गई, द लगेगा, एन लगेगा, अ लगेगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल मतलब कुछ नहीं लगेगा। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है, यहाँ अ लगेगा, इसका सेंस निकल कर आएगा कि राकेश ने मुझे 100 रुपये की नोट दी, भले ही वो नोट 100 रुपये की है पर नोट तो एक ही दे रहा है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, इसलिए इसके साथ ए या एन आर्टिकल का यूज़ करना है हमें। अब यहाँ पे 100 है तो हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, ठीक है, तो ये हमारा था। नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या आना चाहिए यहाँ पे।
द फर्नीचर ब्लैंक टू बी डिलीवर्ड टूडे. द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टूडे. द फर्नीचर आर टू बी डिलीवर्ड टूडे. द फर्नीचर हैव टू बी डिलीवर्ड टूडे. और द फर्नीचर वर टू बी डिलीवर्ड टूडे. पहली बात एक मैं हिंट कर दूं कि फर्नीचर जो एक अनकाउंटेबल नाउन है. चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वो क्या होता है. तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा. अनकाउंटेबल नाउन है, जनरली सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है. ठीक है, तो इस वजह से आपको इज लगाना है यहाँ पे. द फर्नीचर इज, फर्नीचर को आज डिलीवर होना है. ठीक है, ये इसका सेंस निकल कर आएगा. इसके साथ आपको इज लगाना है. अच्छा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो जनरली सिंगुलर में रहते हैं, जैसे पोइट्री है, ठीक है, सीनरी है, मशीनरी, ज्वेलरी, ये सारे. नेक्स्ट देखेंगे. विच वर्ड हैज़ प्रीफिक्स, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स लगा है, यानी कि उपसर्ग लगा है. रिटर्न, कम, स्लीप, गो. बिल्कुल, जिसको आप अलग कर सकते हैं, जिसमें से आप दो उसको तोड़ के दो एक प्रीफिक्स और उसके अलावा एक सार्थक शब्द बना सकते हैं, तो वही उसी में प्रीफिक्स लगा होगा. तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है. ठीक है, री प्लस टर्न. तो टर्न अपने आप में एक इंडिविजुअल वर्ड है और उसमें हमने री लगा दिया, ये प्रीफिक्स लगा दिया, तो बन गया रिटर्न. तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग प्लीज़. चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द एडमंट फ्रेज इन केस नो इम्प्रूवमेंट योर आंसर विल बी डी. अगर लगता है कि कुछ गलत नहीं है तो ये डी वाला चूज करिएगा, वरना फिर इनमें से क्या आएगा ये देखना है आपको. ही एबसेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग, ही एबसेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, ही टुक एबसेंस फ्रॉम द मीटिंग. क्या आना चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंटेड हिमसेल्फ. क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हमें करना ही, किया ही किया जाता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे तो कहीं कोई सेंटेंस कोई गलत होगा, लेकिन किया जाता है. तो कई सारे सेंटेंस इंग्लिश में ऐसी लैंग्वेज है कि हमें पढ़ने में लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, बट अगर वाकई में ग्रामर में घुस के देखते हैं तो लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, उसके रूल्स जो है वो कुछ अलग है. तो जैसे एबसेंट होता है, प्राइड होता है, ये सारे कुछ, अवेल होता है, ये सारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता ही लगता है. तो हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके साथ यूज़ हुआ है. Select the word opposite in the meaning to the given word. Description box में एक link दी है जिसमें मैंने opposite word यानी antonym 334 antonym की list provide कराई है. ठीक है, तो एक link है उसको पे, मतलब आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि 300 इतने सारे link, मैं एक इस पर वीडियो बना दूँ इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, तो वो एक यूज़लेस वीडियो होगा, क्योंकि इसे आपको याद स्वयं करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और वो आप एक वीडियो में याद नहीं कर सकते हैं कि ये सारे याद कर लें. तो आप अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पे पढ़ सकते हैं. वो वीडियो का लिंक नहीं है, वो एक पोस्ट है जहाँ पे मैंने 334 एंटोनीम्स जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं उनको लिख दिया है, और आप जब चाहें वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं. ठीक है, देख लीजिएगा उसको. एनीवेज, इसका बताना है आपको प्रोफ्यूज़ का अपोजिट. उस अभी 334 लिखा है, और भी आगे मैं उसमें अपडेट करती रहूँगी जो भी नए नए वर्ड्स मिलते जाएंगे मुझे. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए, देखिए प्रोफोज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिक, अत्यधिक मात्रा में, यानी कोई चीज़ बहुत पर्याप्त मात्रा में हो. तो इसका विलोम जो होगा वो बनेगा स्पार्श, यानी कि अभाव, कमी, किसी चीज़ की अल्पता, ये हो जाएगा इसका विलोम. नेक्स्ट देखेंगे. पिक आउट द सुटेबल वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है वाक्यांशों के लिए एक शब्द. एन ओल्डर वुमेन हु इज नॉट मैरिड, एक बड़ी महिला जो जिसकी शादी नहीं हुई है. डिवोर्सी, मेट, स्पिंस्टर, विंडो, सॉरी विडो नॉट विंडो, विडो, ओके सॉरी.
सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है स्पिंस्टर, यानी अविवाहिता, जिसका शुद्ध हिंदी होता है ये हो जाएगा, ठीक है, अविवाहिता, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यस, बाकी का जो है इसका पता ही है सबको, डाइवोर्सी मतलब तलाकशुदा, ठीक है, मेड कुआरी, यहाँ यहाँ पे मेड कुआरी है, बाकी मेड मीन्स जो बाई होती हैं वो भी होता है, मेड जिसे कहते हैं हम लोग, और विडो मीन्स विधवा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जितने लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, एग्ज़ाम डोस्ट को भी कर दीजिए, वो नया चैनल है उसको तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। राइट द सिनोनिम ऑफ द इम्परवियस, ओके, यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, बहुत जल्दी मैं आपको सिनोनिम की भी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, याद आपको करना है, आप जितना कर पाए, डेली 5-5 याद करेंगे तो भी एग्ज़ाम तक आई थिंक सारे याद हो जाएंगे, 2500 याद हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर इसके लिए क्या होता है, तो पहले तो इसका अर्थ क्या होता है हमें ये समझना है, इसका अर्थ होता है अप्रवेशनीय, ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इम्पेनट्रेबल, यानी कि अप्रवेश, अभेद्य, जिसको भेदा न जा सके, जहाँ पे प्रवेश ना किया जा सके, और यही सेंस इसका भी निकल कर आता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था हमेशा की तरह, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो ऐप भी पेज है हमारा जहाँ पे हम लिंक शेयर करते हैं, टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे शेयर करते हैं जो कुछ भी हमारे लिंक्स होते हैं, या फिर कुछ कभी नोट्स शेयर करने होते हैं तो हम वहीं पे करते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।